मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं करती, लेकिन इसे एक ईमानदार नागरिक होने के नाते सुनिएगा। मोदी जी, 60 साल 60 साल मत चिल्लाया करो, देश और जनता को उल्लू मत समझो। आप उस देश के प्रधानमंत्री हो जो देश 300 साल तक गुलाम रहा था, जिस देश को अंग्रेजों ने लूट खसोट कर इस देश की बागडोर को कांग्रेस को सौंपी थी। 1947 में देश में सुई तक नहीं बनती थी, सारा देश राजा रजवाड़ों के झगड़ों में बटा हुआ था। देश में मात्र 50 गांव में बिजली थी, पूरे राजस्थान मात्र में 20 राजाओं के पास फोन था, किसी गांव में नल नहीं थे, पूरे देश में मात्र 10 बांध थे, सीमाओं पे मात्र कुछ सैनिक थे, 4 विमान थे, 20 टैंक थे, देश की सीमाएं चारों तरफ से खुली थी, खजाना खाली था। ऐसे बदहाल में हमारा हिंदुस्तान कांग्रेस को मिला था। इन 60 सालों में कांग्रेस ने हिंदुस्तान में विश्व की सबसे बड़ी ताकत यानी सबसे बड़ी सेना तैयार की, हजारों विमान, हजारों टैंक, लाखों फैक्ट्रियां, लाखों गांव में बिजली, हजारों बांधों का कंस्ट्रक्शन, लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण, परमाणु बम, हर हाथ में फोन, हर घर में मोटरसाइकिल वाला मजबूत देश इन 60 सालों में तैयार करके दिया है कांग्रेस ने। भारत ने पिछले 60 सालों में तरक्की भी बहुत की है, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने कई इतिहास रच दिए जिसकी वजह से भारत आज एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बन चुका है, भारत एशियाई खेलों में मेजबानी कर चुका है, भारत ने भागड़ा और रिहन जैसे बांध भी बन चुके हैं, देश भामा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कर चुका है, देश में तारापुर परमाणु बिजली घर शुरू हो चुका है, देश में कई दर्जन एम्स, आईआईटी, आईआईएमएस और सैकड़ों विश्वविद्यालय खुल चुके हैं, नेहरू ने नवरत्न कंपनियां स्थापित कर दी गई है। कई सालों पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को लाहौर के अंदर तक घुसकर मारा था और लाहौर पर कब्जा कर लिया था। पंडित नेहरू पुर्तगाल से जीतकर गोवा को भारत में मिला चुके थे। नेहरू जी ने इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत भी कर दी थी। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, देश में उद्योगों का जाल बिछ चुका था। इंदिरा जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुकी थी, पाकिस्तान 1,00,000 सैनिकों और कमांडरों के साथ भारत को सरेंडर कर चुका था। तब भारत में बैंकों की राष्ट्रीयकरण हो चुका था, इंदिरा जी ने सिक्किम को देश में जोड़ लिया था, देश अनाज के बारे में आत्मनिर्भर हो चुका था, भारत हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर तक बनाने लगा था, राजीव गांधी ने देश के घर घर में टीवी पहुंचा दिया था, देश में सुपर कंप्यूटर, टेलीविजन और सूचना क्रांति यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरे भारत में स्थापित हो चुकी थी। जब मोदी प्रधानमंत्री जी की शपथ ले रहे थे तब तक भारत सर्वाधिक विदेश मुद्रा के कोष वाले प्रथम 10 राष्ट्रों में शामिल हो चुका था। इनके अलावा चंद्रयान, मंगल मिशन, GSLV, मेट्रो, मोनोरेल, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, न्यूक्लियर पनडुब्बी, ढेरों मिसाइल, पृथ्वी, अग्नि, नाग, दर्जनों परमाणु संयंत्र, चेतक हेलीकॉप्टर, मिग, तेजस ड्रोन, अर्जुन टैंक, धनुष टोप, मिसाइल युक्त विमान, INS विक्रांत, विमान वाहक, ये सब उपलब्धियां देश ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले हासिल कर ली थी। हर जागरूक नागरिक की तरह इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों तक पहुंचाइए ताकि मोदी जी और उनके जुमले गलत साबित हो सके। बार बार उनका पूछना कि 60 सालों में क्या हुआ तो उन्हें पता चल सके और अंधभक्तों की आंखों से पट्टी उतर सके। जय हिंद।